चुनाव सुधार से जुड़ा बिल संसद में पेश, विपक्ष ने की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग। अटल जी के जन्मदिन पर यूपी के युवाओं को मिलेगी टैबलेट स्मार्टफोन की सौगात, 25 को सीएम लखनऊ से पहले चरण की करेंगे शुरुआत। यूपी के 16 जिलों में शुरू होगी हैप्पीनेस क्लास, पायलट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को खुश रखने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव। भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची अयोध्या, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद लल्लू सिंह, कई विधायक यात्रा में रहे मौजूद। पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का सम्मन, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार, की गई कड़ी पूछताछ। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सराहनीय पहल, रामलला के दर्शन को भेजे गए श्रद्धालु, बसों से किया गया रवाना। 24 घंटे में देश में कोरोना के 6,563 नए केस, 132 मरीजों की हुई मौत। क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान होंगे यश ढुल्लू, बीसीसीआई ने किया ऐलान।